आईटी पर पुलिस ने चंडीगढ़ के किशनगढ़ में एक युवक को 10 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पिता चंडीगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। आरोपी किशनगढ़ निवासी 29 वर्षीय प्रिंस के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। इसमें भगवानपुरा नाके में एक बंदे सस्पिशियस बिहेव किया था, उसको जब चेक किया था उसका पर्सनल सर्च में 10 ग्राम हेरोइन पोजीशन से मिला था। उसको हमने सीज किया और एनडीपीएस का एफआईआर भी कर दिया। सर कितने ग्राम से चिट्टा? 10 ग्राम हेरोइन था उसका। कहाँ का रहने वाला है सर ये? ये किशनगढ़ के रहने वाला है। नहीं, इसका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। खुद लेता था सर ये ड्रग? खुद भी कंज्यूम करता है और आगे भी बेचता है। पेश कर रहे हैं इनको, पुलिस रिमांड ले रहे हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने दिन का सर रिमांड लिया जाए? 5 दिन का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिनिमम 2 या 3 डेज मिल जाएगा। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने नाबालिग से संबंध बनाने के आरोप में एक 21 वर्षीय युवक को अरेस्ट किया है। उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मामले में 16 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि 3 महीने पहले वह युवक जशनप्रीत से मिली थी। उसने शादी का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। ऐसा वह पिछले 3 महीने से कर रहा था। लड़की के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ और पुलिस में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फरवरी में इंसिडेंट हुआ था, हॉस्पिटल में जाके इनको प्रेगनेंसी पता चला इस महीने। तो इसके रिगार्डिंग हमने पोक्सो में केस 3 डेज बैक रजिस्टर किया था और कल उसका अक्यूज्ड को हमने शिकायत हमको हॉस्पिटल की तरफ से रुका आया था। पहले जो विक्टिम है वो हॉस्पिटल गया था, पेट में उसका दर्द था, उस समय हॉस्पिटल गया था, उस समय उनका प्रेगनेंसी पता चला। देन विक्टिम उसके बाद उनका मदर को डिस्क्लोज किया कि ऐसी इंसिडेंट फरवरी में हुआ था उनके साथ। ये भी सामने आ रहा है कि शादी का झांसा दिया गया था ये व्यक्ति? नहीं, उसका अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसका कोई ये नहीं है, लेकिन व्यक्ति माइनर है, उसने हमने पॉक्सो में रजिस्टर कर दिया बस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।